तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल कढ़ी। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे इसमें डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी दही और उसमें अब मैं मिक्स कर रही हूँ बेसन, और ये मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और इसे मैं एक बार अच्छे से चला लूँगी कि इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं रहे। तो आप देख सकते हो कि ये बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं राई और सरसों के दाने इसमें डाल रही हूँ। ये जैसे ही अच्छे से चटक जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ कटी हुई। यहाँ पर मैं हरी मिर्च और मीठी नीम भी इसमें डाल रही हूँ। बस अब हम इसे एक सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ही मैं इसमें डालूंगी किचन किंग पाउडर। और बस अब हम इस सब को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, नहीं तो हमारे मसाले सड़ जाएंगे। और अब जो मैंने ये लस्सी तैयार की थी वो अब मैं इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। आपको जितनी कढ़ी चाहिए है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई मैंगो भी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ी जब तक खट्टी ना हो अच्छी नहीं लगती है। आप चाहें तो इमली का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप खट्टी दही से ही कढ़ी बना सकते हैं। अब हम फटाफट से कर लेते हैं पकौड़ों की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याजों को बारीक बारीक काट लिया था, और उसमें अब मैंने बेसन ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी इसमें मैंने अजवाइन भी डाली है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ही सूखा धनिया मैंने इसमें डाला है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। तो हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी में भी अच्छे से उबाले आ रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कढ़ी को आपको अच्छे से पकाना है। तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है, और फटाफट से हम सारे इसमें पकौड़ों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकौड़े ऊपर से तो क्रिस्पी और रेड हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो ये एक तरफ से अच्छे से रेड हो चुके थे, तो इसे हम अच्छे से घुमा लेते हैं कि ये जले नहीं। तो ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। हमें इसे इससे ज़्यादा रेड नहीं करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पकोड़ों को तल लिया था, अब हम इसमें डाल देंगे कढ़ी पर। तो यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े कढ़ी पर डाल दिए हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और एक उबाला आने तक हमें गैस का फ्लेम फुल ही रखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हींग का तड़का इसमें लगा रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, बस हम इसके ऊपर कर देते हैं गार्निश।